बी रेडी, फाइव सेकेंड्स स्टार्ट। मिस्टर वाइस चेयरमैन सर, आफ्टर हियरिंग दी रोरिंग वाटरफॉल स्पीचेस गिविंग आउट ऑल द डिटेल्स ऑफ द शॉर्टकमिंग्स एंड पिटफॉल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी एंड द ग्रिम पिक्चर ऑफ द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, आई हु इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट इन माई ओन हम्बल कैपेसिटी वुड लाइक टू होल्ड ए स्मॉल लैम्प ऑफ होप एंड फेथ इन द गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इट्स प्लानिंग। मिस्टेक्स आर ऑलवेज मेड, अदरवाइज वी आर नॉट ह्यूमंस। डिफरेंसेस ऑफ एम्फेसिस एंड वर्किंग आर ऑलवेज देयर, बट इट डज नॉट मीन दैट वी शुड समरली ओपाइन दैट एवरीथिंग इज रॉन्ग। सर, इन फ्रेमिंग दीज बजट प्रपोजल्स द फाइनेंस मिनिस्टर हैड ए वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी डेलिकेट टास्क टू परफॉर्म। द फर्स्ट स्टेप दैट ही हैड टू टेक वॉज टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ बोथ ऑन द एग्रीकल्चरल एंड द इंडस्ट्रियल फ्रंट एंड सेकेंडली टू मेंटेन सम प्राइस स्टेबिलिटी। द वेरी फैक्ट दैट द प्राइजेस ऑफ सर्टेन एसेंशियल कमोडिटीज डिड नॉट शूट अप आफ्टर द बजट वॉज इट्सेल्फ एन एक्ट ऑफ ग्रेट रिलीफ टू मैनी कंज्यूमर्स एस्पेशली टू हाउसवाइव्स हु ऑलवेज यूज्ड टू सिट अप टाइट कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड नॉट नोइंग वॉट द आइटम्स आर गोइंग टू बी ऑन विच द एक्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर विल फॉल। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस कंटिन्यूअस फियर हैज बीन बेलीड टू ए ग्रेट एक्सटेंट आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। एंड सो सर, प्लेस्ड एज वी आर इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन, मैनी कॉमन कंज्यूमर्स एंड हाउसवाइव्स लाइक मी थिंक दैट द फाइनेंस मिनिस्टर डिजर्व्स ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर प्रेजेंटिंग दिस ईयर ए ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। सर, द नेशनल बजट इज नॉट ओनली एन एनुअल अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसिस एंड रेवेन्यूज, बट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ टू गिव थ्रू द बजट ए करेक्ट पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज ऑफ द होप्स फॉर द फ्यूचर। सर, इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ नॉट ओनली द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एफ्लुएंट क्लास टू सिट इन जजमेंट, बट ऑल्सो द कॉमन पीपल हु हैव एन इक्वल राइट टू से समथिंग अबाउट द बजट। सर, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर प्रेशर्स, एस्पेशली वेयर इट इज वेल नोन दैट दिस इज द प्री इलेक्शन ईयर, द बजट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग मेन स्ट्रेस ऑन द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस। दिस इट्सेल्फ शोज द डिटर्मिनेशन टू ओवरकम द क्रिटिकल पीरियड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए नंबर ऑफ मेजर्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। इट स्ट्रेसेस द प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज एंड कर्टेलमेंट ऑफ नॉन असेंशियल कंजम्पशन आइटम्स। इन ए सिचुएशन वेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बीइंग हाईली टैक्स्ड, लीविंग नो स्कोप फॉर फर्दर टैक्सेशन टू रेज द रेवेन्यू रिसोर्सेज, द फाइनेंस मिनिस्टर इन्वेंटेड ए न्यू कंसेप्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज टैक्सेशन ऑन ऑल लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री फॉर सेल और अदर कमर्शियल पर्पसेस
and thus made it logically a sound proposal. The battle against the prices, which was started about a year back, has become more favorable because of the number of bold measures taken by the government to bring down and slacken the price rise. The finance minister has correctly emphasized the need to boost the climate for savings and investment by offering a number of incentives like exemption from wealth tax for a period of 5 years for the new companies engaged in priority industries, and also by offering a special incentive for investing corporate savings in new companies producing fertilizer, paper, cement, etc. Sir, much is said about no relief being given to corporate sector, but it is not true, as the government is really concerned over their financial problems and would like to give whatever cooperation possible to them in the present circumstances. For example, the dividend restrictions have been loosened and the act will also be suitably amended. Sir, similarly, there are a number of welcome gestures for middle class people like higher house rent allowance, travel concessions, higher permissible deduction for contribution to provident fund and life insurance premia, etc. A proviso for deduction of expenses for higher education of children per individual having an annual income up to ₹24,000 is also noteworthy. Sir, all these savings-oriented income tax relief provisions no doubt deserve merit. Sir, I would like to make some observations. First is that the bonus of non-withdrawal of provident fund by government employees should be extended not only to the public sector but also to the private sector employees covered by the provident fund scheme. It is very necessary today to see that the large number of people withdraw less, spend less, and save more. Sir, another point is regarding the number of complaints we hear about the cumbersome procedure involved in the issue of licenses, permits, etc. If this procedure could be rationalized, it will stop to a considerable extent the underhand dealings that are prevalent at present. Sir, another problem is the rise in market borrowings at an alarming rate. Although the working of the public sector has considerably improved in the last few years, much more is yet to be done to reach the target of efficiency. The public sector undertakings have to be geared to become profit-oriented.